अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव, शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भोयानंग मुत्तानंग मैगानंग को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अनंत अनंत नमन करते हैं। प्रभु महावीर का ये धर्म शासन में हमें अवसर मिलता है इस संसार सागर में पार होने का। संसार सागर में पार होने का मार्ग क्या है, उपाय क्या है, युक्ति क्या है? अनादिकाल से हम और आप ये संसार सागर में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने को जाना ही नहीं, पहचाना नहीं। मूलभूत प्रश्न है, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया हूं, मेरा असली घर क्या है, उसके लिए क्या मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। तुमने बॉम्बे जाना हो और गाड़ी पकड़ लो जम्मू की, तो बॉम्बे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। तो पता ही नहीं कि हमें संसार सागर से पार होने का मार्ग कौन सा है। एक ही मार्ग, एकाइनो मग्गो, एक ही धर्म, एक ही मार्ग, एक ही उपाय। वो क्या? कि तुम अपने को जान लो, तुम कौन हो। हम अपने को नहीं जानते, सब खबर रखते, आज का विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर और जेट विज युग पूरे आकाश को, आकाश के बाद समुद्र की गहराइयों को सब जान लिया, पहचान लिया, सुविधा दे दी, पर वो अपने भीतर खजाना वो भूल ही गए। और बाहर के सुखों को लेने के लिए विज्ञान ने बहुत उपाय दे दिए, बहुत उपाय दे दिए। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, जीते हैं आदमी ने तीनों लोक, मगर खुद से हारा है। हम स्वयं में हार चुके हैं कि मैं हूं कौन। तुम तीनों लोकों को जान लो, तुम तीनों लोगों की संपत्ति भी प्राप्त कर लो, वो नश्वर है, वो जाएगी। जो विनाशी है, शाश्वत नहीं है, उसको हमने शाश्वत मान लिया और शाश्वत को गौण कर दिया, तो फिर बनेगा बात कैसे? नहीं हो सकता। तो अरिहंत वाणी कहती है, तुम अपने को जानो और पहचानो। तो आपके सामने चर्चा चली थी 12 भावनाओं की, उसमें से चौथी भावना अनित्व भावना, कि देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीव देह से भिन्न है, जड़ चेतन दो रूप, नाशी अविनाशी सदा क्षीर नीर स्वरूप। बस इतनी सी बात जान लो, मैं देह में हूं पर देह से अलग हूं, देह में मैं नहीं हूं पर देह से अलग हूं। ये बात समझ में आ गई तो भीतर आगमानी समझ में आई, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कितने पोथी पढ़ने पढ़ लो, क्रियाएं कर लो, तप कर लो, वो सारा कुछ किसका होगा? वो देह का होगा, आत्मा का होगा ही नहीं, क्योंकि आपने आत्मा को पहचाना नहीं और देह के लिए क्रिया करते रहे तो देह तक ही जाएगी। तो आत्मा और देह दोनों जुड़े हैं, जीव देह से भिन्न है, जड़ चेतन दो रूप, देह जड़ है और चेतन आत्मा है। नाशी अविनाशी, नाशवान है देह, अविनाशी है आत्मा, कैसे मिले? क्षीर नीर की भांति, दूध और पानी की भांति।
दूध और पानी मिल जाता है, तुम जान लेते हो दूध और पानी मिला हुआ, दूध में पानी मिला हुआ, पर निकाल नहीं पाते, कैसे निकालोगे? उस समय राजहंस की चोंच दूध में डल जाती है तो राजहंस दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, वो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। क्षीर नीर का विवेक राजहंस जानता है। ऐसे ही हम जाने कि आज तक मैं जीवन में जो करता आ रहा हूँ क्या मेरा है, जो आज तक आपने युवाचार्य जी भी आपको फरमा रहे थे, आसक्ति किसके प्रति, देह के प्रति, वस्तुओं के प्रति और अपने ही कर्मों के प्रति, कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता कितने कर्म के दलक आत्मा पर चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि छद्मस्त व्यक्ति जानते नहीं, केवल क्या नहीं जानते, आत्मा पर कर्म कैसे चिपकते हैं, कैसे अलग होते हैं, आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता, आत्मा निराकार है, पर हमें वो खुशी लगती है जब धन आ जाता है, जब कोठी बंगला बन जाता है, जब मित्रगण घर में आ जाते हैं, जब संयोग बढ़ने लगता है तो हम खुशी मनाते हैं, उस खुशी में दुख, ये सारा संसार है, इसको समझो। भगवान की वाणी कहती है कितना धन इकट्ठा कर लो क्या होगा, सुवर्ण रूप सुपयाभवे सियाहु कैलास सामा असंख्य नरस लुद्दस नते किंची इच्छा हुआगा कैलाश आदि सुमेरु पर्वत के समान सोने चांदी के ढेर भी लग जाएं, असंख्य पर्वत हो, परंतु लोभी पुरुष के आगे वो कुछ नहीं। सुवर्ण रूप सुपव्याभवे सोने और चांदी के पर्वत असंख्यात पर्वत सियाउ कैलाश सम असंख्य असंख्यात पर्वत कैलाश, परंतु जो कामी व्यक्ति है नरस लुद्धस नैते हु किंची, जो प्रग्रही व्यक्ति है, जो कामी व्यक्ति है, जो संसार में रचा पचा है, उसके आगे वो कुछ नहीं लगते, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति होती नहीं, और ये तृष्णा आकाश के समान अनंत है, इच्छा आकाश समा अनंत, ये इच्छाएं एक पूरी करो, तुम देखो तुम्हारे घर में पहले साइकिल भी नहीं होता था, एक साइकिल आ गया, रेडियो भी नहीं होता था, रेडियो आ गया, साइकिल के बाद क्या आया, स्कूटर आ गया, फिर उसके बाद क्या आया, गाड़ी आई, छोटी गाड़ी आई, फिर बड़ी गाड़ी आई, तुम्हारे घर में टीवी भी नहीं था, पहले कौन सा टीवी आया, ब्लैक एंड वाइट आया, फिर कलर आ गया, फिर एक कमरे में गुजारा कर लेते थे, आप अलग अलग कमरे हैं, क्या संतुष्ट हुए, बड़ी गाड़ी मिल गई, टीवी सेट मिल गया, इम्पोर्टेड गाड़ी घड़ी मिल गई, कैमरा मिल गया, मोबाइल मिल गया, व्यापार चलने लगा विदेशों में, क्या सुख हो गए। ऐसे पुड़वी साली जवाचेव हिरनम पशु भी सही परिपुन्नंग नाल में गस ई विज्जा तवंग चरे, भूमि शाली हिरण पशु आदि पदार्थों से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी भी एक जीव की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, एक जीव की इच्छा को, पूरी पृथ्वी भरी हुई है गेहूं से, धन धान्य से, फल फूल से, और इतने पर्वत असंख्यात पर्वत सोने चांदी के, वो भी एक व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। फिर यह जान करके विद्वान पुरुष क्या करे, सहारा ले भेद ज्ञान का, तप का सहारा ले, अपने जीवन में समझे कि मुझे करना क्या है, मुझे प्राप्त करना क्या है। तो हम स्वयं को जाने कि मैं कौन हूं, ये आत्मा, मैं आत्मा हूं, बस एक जान लो महावीर की वाणी, एक सूत्र पकड़ लो सब सच जाएगा, एक साधे सब सदे, एक सूत्र मैं आत्मा हूं, पूरे देह के प्रमाण में हूं, असंख्यात परदेशी आत्मा हूं, निराकार हूं,
अनंत सुख मेरे भीतर है, शांति मेरे भीतर है, समृद्धि मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है, उसकी खोज करनी। वो भगवान ने बता दिया तुम्हारे भीतर है, कुंजी दे दी, पर लगाना नहीं आता कुंजी को, वो क्या करेगा? खजाना तुम्हारे पास है, कुंजी तुम्हारे पास है, लगाओ भाई, लगाओगे कैसे? ये सबसे बड़ी बात। इसके लगाने के लिए भेद ज्ञान। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मेरा शरीर से मतलब नहीं, शरीर रहता है तो ठीक है, जाता है तो ठीक है, मैं इस शरीर से सार ग्रहण कर लूं। सार कहां है? कि अच्छा भोजन करने में सार है, क्या घूमने में सार है, ये सार समझ में नहीं आता। इस सार को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा, इस सार को नहीं समझा तो जीवन समझ में नहीं आता। शास्त्रकार कहते हैं, गुण भेद से भी भिन्न है आनंद का रस कंद है, गुण भेद से भी भिन्न है आनंद का रस कंद है, संग्रहालय शक्तियों का ज्ञान का घन पिंड है, वह साध्य है आराध्य है आराधना का सार है, वह साध्य है आराध्य है आराधना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना का एक ही आधार है, ध्रुव धाम की आराधना का एक ही आधार है। गुण भेद से जो भिन्न है, शरीर और आत्मा गुण भेद से भिन्न है, शरीर के गुण धर्म अलग हैं, आत्मा के गुण धर्म अलग हैं, समझ में आई बात? शरीर का गुण धर्म क्या है? जन्मना, बढ़ना, बिछोड़ना, मृत्यु का प्राप्त होना, आज बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर आदि व्याधि, ये सब शरीर पर आती है। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं, दुख नहीं, आत्मा अजर अमर। गुण भेद से भिन्न परम पदार्थ, वो कैसे? आनंद का कंद, समझते हो? आनंद का कंद क्या होता है? क्या होता है आनंद का कंद, बोलो, किसको कहते हैं आनंद का कंद? परिपूर्ण रूप से जैसे कोई वस्तु है वो भरी हुई है, भरी हुई है, जैसे रसगुल्ला पूरा मिठास से भरा हुआ है, आनंद का कंद। और ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान से परिपूर्ण अनंत शक्तियों का जो संग्रहालय है, वह परम पदार्थ ही जानने योग्य है, साधने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है और उसकी आराधना करने योग्य, बाकी सार कुछ भी नहीं। ये भगवान की वाणी का एक सूत्र समझ में आ जाए तो आपके जीवन में दुख आएगा, बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, सब आएगा, कैंसर के रोग आ जाएंगे, तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को कैंसर के रोग हो गए, आचार्य भगवान आत्माराम जी को कैंसर का रोग हो गया, रमन महर्षि को हो गया, रामकृष्ण परमहंस हो गया, नहीं, व्यक्ति को थोड़ा सा रोग हो जाता है, ठोकर लग जाती है, रोता है, चिल्लाता है, और वो जानते हुए कि सब कुछ छूटने वाला है, उनके मन में एक ही दर्द था कि ये घर वाले इतनी सेवा करते हैं, मैं कर्जा कहां चुकाऊंगा। मैं कि आप चिंता ना करो, ये इनका फर्ज है, ये पुण्य बांध रहे हैं, अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और तुम अपने कर्म काट रहे हो। फिर उनको समझ में आ गया, बात तो ठीक है, यही बात थी, मैं यही बात थी। उनको बड़ा फील होता था कितनी सेवा करते हैं, मैं कर्जा कहां चुकाऊंगा, मैं कि इनको अवसर मिला है पुण्य कमाने का, कर्म निर्जरा करने का,
और आप सहनशीलता से अपने जो आया है कष्ट उसको सहन कर लीजिए। बड़ी शांति से उन्होंने अपने जीवन की कर्मजदा की और उच्च गति में गए। तो मैं साक्षात देखता हूँ कई लोगों को धर्म का अंतिम समय विपत्ति होती है और वो हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। ये है आत्मा की पहचान। यदि आपकी आसक्ति देह के प्रति है, परिवार के प्रति है, धन पद के प्रति है और भ्रमण करने के प्रति, अंतिम समय समाधि नहीं आएगी। निश्चित मान लेना, धर्म उनकी सहायता करता है जो बचपन में शुरू में धर्म की आराधना करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। एक बार हम घर में गए, एक व्यक्ति बीमार हो गया, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। मैं पास में गया, क्या जार जार से रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। आचार्य जी, मैं सभा का अध्यक्ष था, सारा स्थानक मैंने बनाया, सब मैंने किया, अब मैं उठ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, मैंने ये किया वो किया। बेचारा दुखी हो रहा है। मैंने कहा श्रावक जी, आपने बहुत कुछ कर दिया, अब शांत रहो ना, जो करने वाले करेंगे, जाने वाले जानेंगे, तुम शांति से रहो। पर वो पुरानी याद आती है, मैं अध्यक्ष था, मेरी चलती थी, मैंने ये कर दिया, अब नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। शरीर साथ देता है क्या? हमेशा हमेशा तुम जवान बने रहोगे, हमेशा बच्चे बने रहोगे, बच्चे से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से फिर नया जीवन चलता ही रहता है। पत्ता उगता है, बड़ा सुंदर पत्ता होता है, पीला पीला होता है, फिर लाल हो जाता है, फिर हरा हो जाता है, फिर पीला हो जाता है, चला जाता है। जीवन ऐसे तो चलता रहता, क्या बड़ी बात है। उसको सहजता से लो तो जीवन आराम से गुजरता है। यदि पुरानी बातों को याद करते तो एक दुखी होता रहता है। वे आत्मरुद्र का ध्यान कि पहले मैंने इतना किया, अब मैं नहीं कर सकता। भाई, हमेशा किसी का जीवन एक सा नहीं रहता, ये संसार की गति है, ऊपर नीचे चलता रहता है। जो स्वर्ग में है वो नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले स्वर्ग में चले जाते हैं, नरक वाले ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं। जीव अपनी ही कर्म गति से 484,00,000 जीवाजोनी में अनंत बार भटक रहा है। मूल कारण कि वो अपने को नहीं जानता कि मैं हूँ कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। ये पहचान करके सारा क्रिया करो, धर्म की आराधना करो। पर कौन कर रहा है? आत्मा करने वाली है ही नहीं, आत्मा का मात्र स्वभाव दृष्टा और कुछ भी नहीं। अन्य खलु काम भोगा अन्य अहमसी से किमंग पुन्नंग बबंग अन्न मोहिम काम भोगे मुच्छाया। ये काम भोग सारे शरीर के ऊपर जो आप पांच इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि के जो भोग, ये सब अन्य है, मेरा से कोई संबंध नहीं और मैं अन्य हूँ। अनित्य भावना, ये अलग मैं अलग। फिर हम क्यों उन वस्तुओं को आसक्त हो रहे हैं? जब मेरे है ही नहीं, इसको मैं मान लिया चश्मा मेरा, तो मैं दुखी होऊंगा। चश्मे का उपयोग करना है भाई देखने के लिए, मिल गया तो किसी ने ला के दे दिया तो ठीक है, नहीं कोई और दे देगा दाता, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यदि इस पर आसक्ति आ गई कि मेरा चश्मा ऐसा ही होना चाहिए, इतने आकार का होना चाहिए, ऐसा फ्रेम होना चाहिए, तो ये सब कर्म बंधन का कारण है। इस बात को समझो और जानो। तो जो व्यक्ति ये मान के चलता है कि मैं और आत्मा का गुण भेद भिन्न, इसको मान लो तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। सब कुछ करोगे, जैसे कोई पुल पर घर बनाए तो क्या कहोगे तुम? अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई, फतेहपुर से जैसे ताजमहल था, फतेहपुर सीकरी बनाने लगा तो कोई संत से पूछा कि एक वचन बोलो, मैं उस लिखना चाहता हूँ उसके ऊपर। उस संत के पास गया अकबर, तो संत ने कहा, ए राजा, ये संसार एक पुल है, इस पर घर मत बनाना, चले जाना। अकबर को होश आ गई, ये संसार तो पुल है, आज तक पुल पर किसने घर बनाया है? दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, डोंट मेक इट होम, क्रॉस इट।
जितने पुल बने हैं नदी ऊपर, आज तक किसी ने घर बनाया? जो बनाता है उसका घर चला जाता है, क्योंकि ट्रैफिक है, हाईवे है, बसेस है, ट्रक है, गाड़ियां हैं। तो ऐसे ही संसार एक पुल है, इस पर अपना घर ना बनाओ, पार कर जाओ। अकबर को ये बात जची और फतेहपुर सीकरी बनी नहीं आज तक, वैसी पड़ी है। बहुत कोशिश की बनाने के, सुंदर जैसे ताजमहल ऐसा बनाऊंगा। अकबर को ख्याल आ गया, ओहो ये संसार तो पुल है, किस लिए अभिमान करना। तो तुम भी सोचो, जी आज तुम घर बना रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो पुल है। सबने क्रॉस होके जाना है, घर में देखो कितने चले गए। अभी समित मुनि जी आपको सुना रहे थे एक राजा और सन्यासी की कहानी, के पहले भी मैं आया था, 10 वर्ष पहले भी आया था। और सुना कौन थे? उससे पहले भी मैं आया था, वो मेरे दादा थे, उससे पहले भी मैं आया था, पर दादा थे। अब कौन है? तुम रहोगे राजा, तुम रहोगे, पक्की बात है। फिर मैं आऊंगा, फिर देखूंगा यहां कौन है। तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा बेटा आ जाएगा। बोध हो गया राजा को। ऐसे तुम भी बोध को प्राप्त कर लो। ये संसार, ये परिवार, ये कुटुंब रहो, पर अपना मत जानो। ये पुल है। जैसे गाड़ी पे जाते हो, सीट तुम्हारी होती है क्या? जितनी देर तुमने चेंबर नहीं जाना उतनी देर की तुम्हारी टिकट है, बाकी तुम छोड़ देते हो। ऐसे तुम्हारा जितना आयुष्कर्म होगा, 50 बरस, 80 बरस, उसके बाद घर छोड़ना ही है। इसलिए इस संसार को पुल समझो और पार कर जाओ, और अपना घर मत बनाओ। और घर है तो शरीर का है, मेरा घर तो कौन सा है? सिद्धा सिद्धिं मम। इसको पक्का रटना है, अनुभव में लाना है। जब लोग इसका पाठ पढ़ो कि मेरा घर वो है, बाकी सारे घर छूट जाएंगे। वो घर प्राप्त कर लिया, जीवन सफल हो गया। वो नहीं प्राप्त किया तो कितना ही धन पालो, पद पालो, यश पालो। सिकंदर, टैमुरलिंग, नादिरशाह जब चले गए, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाएंगे। फिर चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो, आत्मा हो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, अरिहंत परमात्मा, यही एक सत्य है। त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। इस सत्य को आत्मसात कर लीजिए। विचार आएंगे, चले जाएंगे। मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा सब परिवर्तनशील है। तुम अजर, अमर, अविनाशी, सत्य, चित्त, आनंद, परिपूर्ण तुम वही हो। एक शारणी है धारा की, और शरण नहीं को। सत्य वचन की तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन।
दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियनंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धमो मंगल मुखिता माइंसा संयमो तवो देवावितंग, नमंग संतेजस धम्मे सेया मनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा, चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शारणे दुःख उसका